नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि कल के सेशन में बड़े एक्शन में रह सकते हैं और आपको रडार पे रखने चाहिए। न्यूज बेस्ड स्टॉक है, प्रॉपरली कल के लिए ही है केवल ये स्टॉक। सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट का आउटलुक बताना चाहूंगा। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया है 17,800 के ऊपर और मार्केट कहीं ना कहीं 18,000 प्लस के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। एंड यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारा एक्शन है कल के सेशन में। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बल्क डील बताना चाहूंगा जो एक वीडियो के दौरान मैंने शेयर भी करा था आप सभी के साथ। सबसे पहला आरती फार्मा की बात करें तो जेपी मॉर्गन फंड हैज सोल्ड 7.14 लाख इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी वीआ ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 255.33। द स्टेक सेल वॉज वर्थ ₹18 करोड़, यानी कि लगभग 18 करोड़ का बिकवा लिया आपने आरती फार्मा लैब में। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगभग आपने एक बड़े सौदा होते हुए देखे हैं, किसी ने खरीदे हैं किसी ने बेचे हैं। वेदा इन्वेस्टर फंड एलपी हैज बॉट 5.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी वीआ ओपन मार्केट एवरेज प्राइस ऑफ ₹37.2 पर शेयर। द स्टेक बाय वर्थ ₹214 करोड़ की बाइंग हुई है यहाँ पे। अब आते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स यानी कि जो कल के सेशन में आपको क्वार्टर थ्री के नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ा नाम यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है वो है टाटा स्टील का। मैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में ही इसके रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन रख दूंगा कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं, नंबर से पहले आपकी क्या पोजिशन होनी चाहिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आप टाटा स्टील के रिजल्ट्स की प्रीव्यू जानना चाहते हैं। तो एक चीज आपको बता दूं, रिजल्ट्स आफ्टर मार्केट ही आएंगे टाटा स्टील के। कुछ और नाम भी है, अदानी ग्रुप से अदानी ट्रांसमिशन कल अपना नंबर पेश करते हुए दिखेगा। बाकी 7 फरवरी को कुछ बड़े नंबर भी आने अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ट्रांसमिशन कल अपने नंबर पेश करेगा, क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स पेश करेगा। AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज भी अपने नंबर पेश करेगा। बालाजी अमाइंस, इजी ट्रिप प्लानर्स, इन्फीबीम एवेन्यूज, जेके पेपर, कोल्टे पार्टन डेवलपर्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मोंटे कार्लो, मुथूट फाइनेंस, नुवको विस्तास, ऑन मोबाइल ग्लोबल, संक्रा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, SJVN, तेजस नेटवर्क्स, यूनिकैम लेबोरेटरीज एंड वरुण बेवरेजेस कल अपने क्वार्टर थ्री के नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। ये तो हो गई आपको उन स्टॉक्स की बात जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। अब कुछ ऐसे स्टॉक जो अपने रिजल्ट्स पे कल के सेशन में रिएक्शन देने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ा नाम सामने आता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कंपनी की बात करें, बैंक की बात करें तो बहुत ही शानदार नंबर पेश करें, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करते हुए दिखी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 68.5% की ग्रोथ आपने देखी है। स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 14,205 करोड़ पे कंपनी ने पोस्ट करा है एंड ये लगभग आपका 14,200 करोड़ पे प्रॉफिट पोस्ट करा है। और इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 24% से बढ़ती हुई दिखी है, 38,069 करोड़ पे आते हुए दिखी है। प्रोविजंस में गिरावट होती हुई दिखी है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, शानदार नंबर दिख रहे हैं। बात करें ITC की तो ITC में लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% का जंप देखने को मिला है। द सिगरेट टू FMCG टू होटल मेजर हैज रजिस्टर्ड 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रॉफिट रुपीज एट 5031 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st December FY23। डिस्पाइट टेपिड रेवेन्यू ग्रोथ सपोर्ट बाय हेल्थी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एट रुपीज 16,226 ग्रू बाय 2.3%। इसके नंबर ठीक ठाक है, इनफैक्ट इसके नंबर भी अच्छे हैं। 6 रुपए पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है। इंटर ग्लोब एविएशन भी अपने नंबर पेश करते हुए दिखाया, तो ये रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा। वोडाफोन आइडिया को आप रडार पे रखिए। यहाँ पे 16,133 करोड़ के जो ड्यूज थे, AGR ड्यूज थे, उसके बदले गवर्नमेंट ने कहा है आप हमें इक्विटी दे दीजिए, तो ये एक बड़ा सौदा होता हुआ दिख सकता है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे भी नंबर आए और नंबर काफी शानदार दिख रहे हैं, ये स्टॉक रडार पे रखिए। और वैसे भी ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा लगने लगा है, इसके फंडामेंटल्स में काफी सुधार है और जो एक प्रॉब्लम का विषय चल रहा था इनका मुद्रा प्लांट, उस पे भी कुछ इनके लिए कहीं ना कहीं राहत की चीजें आती हुई दिखी है, तो ओवरऑल अच्छा दिखता है। मेरी को अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देता हुआ दिखेगा। पेटीएम का घाटा कम होता हुआ दिख रहा है, तो पेटीएम का रिएक्शन देखना होगा। लॉस में तो है कंपनी, लेकिन लॉस काफी हैविली गिरता हुआ दिखा है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट कहीं ना कहीं जो कंपनी ने लास्ट ईयर इस सेम क्वार्टर में 778 करोड़ का लॉस पोस्ट करा था, वो लॉस घटकर अभी 392 करोड़ का हो गया है, तो लॉस में इस पर नेगेटिव रिएक्शन आएगा या फिर
जो लॉस है वो काफी कम होता हुआ दिखाया, इस पर पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एफआईआई इसका, डीआईआई इसका डाटा बताओ तो लगभग एफआईआई 932 करोड़ की बिकवाली करते हुए दिखे आपको, डीआईआई की बात करें तो लगभग 1264 करोड़ की खरीदारी करी है उन्होंने फ्यूचर्स में। एफएनओ की बात करें तो यहाँ पे लगभग लगभग आपके लिए अदानी पोर्ट्स अंबुजा सीमेंट, सॉरी अदानी पोर्ट ऑन इट एफएनओ बैन लिस्ट ऑन 6 फरवरी एंड हैज रिमूव्ड अंबुजा सीमेंट फ्रॉम इट। अंबुजा सीमेंट एफएनओ बैन से बाहर आ गया है, अदानी पोर्ट बैन में आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक है जो आपको कल के सेशन में बड़ा एक्शन दिखाने के लिए तैयार होंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।